दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक सुबह सुबह मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं झमाझम बरसात हुई है। दिल्ली से लेकर नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के अधिकतर इलाकों में आंधी और तूफान के साथ बारिश हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार तड़के ही मौसम ने करवट बदली। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश के कारण कई इलाकों में पेड़ गिर गए और बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। वहीं बारिश की वजह से कई फ्लाइट रोकनी पड़ी। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि अपनी फ्लाइट की जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, बिहार, झारखंड और पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि तथा यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया है। कई राज्यों में तेज हवाएं चल सकती हैं जिससे तापमान से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बदलते मौसम से लू, राहत और तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों तक दिल्ली एनसीआर में 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में सोमवार से प्री मानसून गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। कई जिलों में गरज चमक आंधी के साथ ही बूंदाबांदी होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में इसका असर पहले तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में एक दो दिन बाद दिखाई देगा। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉक्टर ममता यादव ने बताया कि 22 मई को पाकिस्तान की ओर से आए एक पश्चिम विक्षोभ मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा। इसके साथ ही राजस्थान से उत्तरी द्रोणिका भी बनी हुई है। इसके साथ ही राजस्थान से उत्तरी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों के ऊपर एक द्रोणिका भी बनी हुई है। इन दोनों के परिणाम स्वरूप ही मध्य प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियाँ शुरू हो रही हैं। इसके प्रभाव से 23 मई से 26 मई तक 3-4 दिन लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, फिर दोबारा गर्मी बढ़ेगी। इस तरह गर्मी व बारिश का आना जाना चलता रहेगा। 20 जून के करीब प्रदेश में मानसून आएगा, तभी पूरी तरह से गर्मी से राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।